नमस्कार दोस्तों, मैं विजय अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि आपके परिवार में अगर कोई भी भाई ये अपने माँ से जमीन लिखवा लेता है, जो कि प्रॉपर्टी जो है आपके पिता के नाम से था या आपकी मम्मी के ही नाम से था, उस प्रॉपर्टी को अगर आपके बड़े भाई या कोई भी भाई आपस में मिला करके उसको अपने नाम पे लिखवा लेता है, तो क्या वह जमीन उसका हो जाएगा? अगर नहीं होगा तो कैसे वो टूट सकता है? वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कोई ऐसा जमीन हो जो कि आपके पिता के नाम से हो। उस जमीन को अगर आपके कोई भाई अपने आपकी मम्मी को मिला करके अपने नाम से उसको रजिस्ट्री करवा लेता है, तो वो जमीन भले ही वो कुछ दिनों के लिए खुश हो जाए कि उसने अपने मम्मी से रजिस्ट्री करवा लिया है, उसका जमीन हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा अगर कोई भाई उस पर टाइटल सूट का केस करता है तो। क्योंकि वो जमीन जो है वो आपके पिता के नाम से है, इसलिए आपकी मम्मी जो है किसी एक भाई को वो नहीं बेच सकती है। इस बात को आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। अगर कोई लिखवा भी लेता है तो अगर आप टाइटल सूट का केस करते हैं तो आराम से टूट जाएगा। दूसरा ये होता है कि आपके मम्मी के ही नाम से जमीन हो, तो क्या अगर कोई भाई के लिख दे तो क्या उसका हो जाएगा? इसमें भी कई सारे पहलू है, तो कुछ पहलू को मैं रखता हूं। अगर आप लोगों को मन में और सवाल होगा तो आप कमेंट करके पूछना, मैं उस पहलू पे भी बात करके या कमेंट से आपको जवाब दे दूंगा। तो पहला पहलू मैं ये बात करना चाह रहा हूँ कि अगर आपके मम्मी जो है हाउस वाइफ है, चूंकि उनका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, मतलब वो कुछ भी पैसे नहीं कमाती है, तो आपके फादर्स ने जो है वो कमा करके और तब उस मम्मी के बस नाम से लिखवाया है, जो पैसे है वो आपके पिता ने दिया है। ऐसी स्थिति में उस जमीन पे भले ही सिर्फ केवाला पे उनका आपके मम्मी का नाम हो और वो आप जमीन जो है आपके मम्मी के नाम से हो, लेकिन उस पे जो है पैसा जो है आपके पिता ने लगाया है और आपके पिता के जो पैसे है उस पे सबो भाई का हिस्सा बनता है। ऐसे में अगर आपकी मम्मी किसी एक भाई को जमीन लिख देती है तो नहीं हो पाएगा, वो टाइटल सूट में आराम से उसको टूट जाएगा और जो भी भाई होगा उन सब में बराबर ही बांटा जाएगा। तो ये चीज हो गया दूसरा। अब तीसरा बात करते हैं कि आपकी मम्मी ने कोई धन अर्जा है जो कि सिर्फ वो अपने पैसे लगाए, जैसे वो अगर कोई आपकी मम्मी है जॉब करती है या कुछ सोर्स ऑफ इनकम उनका है और सिर्फ अपने पैसे लगाए, ना ही फादर्स के आपके पैसे लगे हैं ना ही किसी और के लगे हैं, और अगर आपकी मम्मी जो है उस जमीन को खरीदती है और उसके बाद जो जमीन है किसी एक बेटा को दे देता है, ऐसी स्थिति में संभावना है, मैं 100% नहीं कह रहा हूँ, संभावना है कि सिर्फ वही बेटा का रह सकता है। ये कोर्ट का डिसीजन है कि कोर्ट क्या डिसीजन देता है, मैं बस आपको अप्रोक्स ही बता रहा हूँ कि ऐसे अगर कोई जमीन है हो सकता है कि सिर्फ उसी बेटे का होके रह जाए। तो ये जो है कुछ पहलू है जो कि मैंने आपको बताया है। टाइटल सूट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको भी पता है कि टाइटल सूट में 1 साल 2 साल में आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, काफी इसमें टाइम लग जाता है, 2 साल 10 साल 10 10 साल टाइटल सूट का जो केस है वो चलता है। तो मैं आपको एक बीच का रास्ता बता देता हूँ कि एक बार आप जो है इसको लोक अदालत में कंप्लेन करके देखें, अगर लोक अदालत आपके केस को एक्सेप्ट कर लेता है और उसके बाद जो है वहां पे आपके जो भी भाई होगा या आपकी माँ होगा जो भी होगा उन लोग को बुलाया जाएगा, अगर वहां पे मामला सुलझ जाता है तो आपको बहुत ही कम खर्चा में इसका निदान मिल जाएगा। अगर वहां पे बात नहीं बनता है और कुछ भी उसका वहां पे डिसीजन नहीं निकलता है, ऐसी स्थिति में आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाता, फिर तो आपको टाइटल सूट के लिए ही जाना होगा और वहीं पे आपका डिसीजन होगा। तो ये सारी प्रक्रिया है जो कि आप अपना सकते हैं, कम खर्च के लिए लोक अदालत जा सकते हैं और अगर वहां बात नहीं बने तो टाइटल सूट के लिए जाना है। ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन था जो कि मैं आपको देना चाह रहा था। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। साथ ही हमारा फेसबुक पेज है जिसको लाइक करना मत भूले, जिससे जानकारी है वो आपको फेसबुक मिले, और हमारा वेबसाइट है vijaysolution.com और vijaysolution.in, जहां पे जाकर के आप सारी चीजें हिंदी में पढ़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।